पंजाब के लुधियाना में हाल ही में कृषि मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में कैंसर सेंटर ऑफ अमेरिका के स्टॉल ने सबका ध्यान खींचा। साथ ही 70 साल के मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड बलवीर सेंखो के गले में एक तख्ती डली हुई थी, जो सतलुज नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि सतलुज के दूषित पानी का इस्तेमाल से लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ हो रही हैं। बुड्ढा दरिया जो है लुधियाना से तकरीबन 17-18 किलोमीटर पीछे से आ रहा है। ये रेन वाटर रिवर है और थोड़ा सा पानी इसमें फ्रेश वाटर भी डाला जाता है एक नहर से, और ये यहाँ से चलते हुए लुधियाना के बीच से जाते जाते आगे जाके वलीपुर नाम की जगह है, जो कि लुधियाना से आगे जाके अराउंड 18 किलोमीटर्स है, और वहाँ पे जाके ये सतलुज से मिलता है। लेकिन ये लुधियाना एंटर करने से पहले इसका जो पानी है साफ है, लेकिन जब लुधियाना एंटर कर जाता है और लुधियाना के बीचों बीच आते आते इसका रंग यानी जेट ब्लैक जिसको कहते हैं वो हो जाता है। और वो जेट ब्लैक होता कैसे है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डाइंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनका जो वेस्ट है उसको कहते हैं कि ट्रीट करके डाल रहे हैं। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसा अभी सेको साहब ने बताया, लुधियाना को हौजरी की एक बड़ी मार्केट कहा जाता है। यहाँ देश भर में हौजरी यानी कपड़ा, फैला हुआ कपड़ा बड़ी मात्रा में यहाँ से सप्लाई होता है। जी सेको साहब, आप जी हाँ, और उसका जो वेस्ट है वो सारा कहते हैं ट्रीट करके डाल रहे हैं, लेकिन केमिकल वेस्ट जो है वो कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता, और वो एसिड जो है वो क्लियर नहीं किया जा सकता। देखो साहब, क्या आज भी जो बुड्ढा दरिया सतलुज में गिर रहा है और उसके बाद सतलुज आगे जा रही है, तो उसके पानी को पिया जा रहा है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, खेतीबाड़ी में? इसको खेतीबाड़ी में डाउन द रिवर साउथ जब जाते हैं मालवा बेल्ट में, वहाँ पर खेतीबाड़ी में भी यूज किया जाता है। और इसमें सिर्फ जो लिटरल जो पानी है दरिया के अंदर वही नहीं, इसकी सबसॉइल को भी इसने प्रदूषित कर दिया है। तो वहाँ के जो उस जगह जो लोग रह रहे हैं वो लोग कैंसर से भुगत रहे हैं। अब यहाँ पर जब आपसे मुलाकात हुई है तो मैं लोगों को कह रहा था कि ये कैंसर ट्रीट कर रहे हैं और ये कैंसर दे रहा है, ये स्रोत है कैंसर देने का। बुड्ढा दरिया का जितना भी ये बेल्ट है सतलुज की, वो सारी कैंसरस बेल्ट है, और लोगों को कैंसर ही नहीं आगे जाके हेपेटाइटिस सी, स्किन डिजीज, यहाँ तक कि कुछ औरतों को तो 5वें 6वें महीने में मिसकैरेज हो जा रहा है, कुछ बच्चे हैं जो कि अपंग पैदा हो रहे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से एक नदी को प्रदूषित कर दिया गया, जिसकी वजह से जैसा सैको साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां हो रही है, यानी कि कैंसर का भी कारण बन रहा है प्रदूषित पानी। वहीं दूसरी तरफ अपने बाजार को देखते हुए इस कृषि मेले में कैंसर सेंटर ऑफ अमेरिका भी आया है, अपनी स्टॉल लगाई है, फ्री चेकअप कर रहे हैं। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया किसान मित्र, जिसमें कि किसान जो है, क्योंकि वो लोग गांव में रहते हैं और कैंसर के अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन केसेस बहुत निकलते हैं, तो इसलिए हमने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है, जिसका नंबर है 0161666999, जिसपे कि वो लोग कॉल करके कैंसर से रिलेटेड उनके मन में कोई भी सवाल है, कैंसर कैसे होता है या कैंसर अगर हो गया तो क्या इलाज पॉसिबल है, वो उस पर पूछ सकते हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें अटेंड करते हैं कॉल, और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब दिया जाता है। और ये जो सर्विस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस उनको पे नहीं करने होते, ये बिल्कुल मुफ्त है। किसानों के लिए कोई खास रियायत है? हाँ जी, किसानों के लिए आपने कुछ खास रियायत दी हुई है? सर, किसानों के लिए जो है खास रियायत है इसमें, अगर कोई यहाँ से आता है, कोई लेके आता है कि उसको कैंसर है, तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उसको बिल्कुल मुफ्त में फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद जो उसको इलाज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी हम सब्सिडाइज रेट पे उनका इलाज करते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी पर वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है।
किसान तक। खाना है तो उगाना है।